कोलकाता ने आखिरी ओवर में 29 रन का पीछा किया। गुजरात की पहली हार, राशिद की हैट्रिक काम नहीं आया। कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले में 4 बार अपनी करवट बदली। अंत में रिंकू सिंह ने सिर्फ 5 गेंद में मैच पलट दिया। उन्होंने 2016 विश्व कप में कार्लोस ब्राथब्रेट के कारनामे को पीछे छोड़ते हुए आखिरी 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, आगे वीडियो में अभी रोमांचक बाकी है, तो वीडियो का आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों बता दें कि आईपीएल 2023 के 13वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की। वही गुजरात को इस टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। पहले विजय शंकर ने, फिर वेंकटेश अय्यर ने मैच पलटा। बाद में राशिद खान ने हैट्रिक लेकर गुजरात को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। लेकिन अंत में रिंकू सिंह ने गुजरात के जबड़े से जीत छीन ली। आइए जानते हैं इस मैच में कैसे कोलकाता ने यादगार जीत हासिल की। और दोस्तों बता दें कि गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 204 रन बनाए थे। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ने पहले विकेट के लिए 33 रन जोड़े। साहा के आउट होने के बाद गिल ने साई सुदर्शन के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की और टीम का स्कोर 100 रन तक ले गए। इसके बाद वह 39 रन बनाकर आउट हो गए। अभिनव मनोहर भी 14 और साई सुदर्शन 38 गेंद में 53 रन बनाकर चलते बने। 18 ओवर तक इस टीम का स्कोर 4 विकेट पर 159 रन था। इसके बाद विजय शंकर की तूफानी पारी के चलते गुजरात ने 2 ओवर में 45 रन बनाए और कोलकाता के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा। शंकर 24 गेंद में 63 रन और मिलर 2 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता के लिए 3 विकेट लेने वाले सुनील नारायण के अलावा सुयश शर्मा ने 1 विकेट लिया और कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर सका। और दोस्तों बता दें कि 205 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की शुरुआत कुछ खास नहीं थी। कोलकाता ने 28 रन पर 2 विकेट गंवा दिए और ऐसा लगा कि यह टीम आसानी से मैच हार जाएगी। गुरबाज 15 और जगदीशन 6 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने शतकीय साझेदारी कर मैच में अपनी टीम की वापसी कराई। नीतीश 29 गेंद में 45 रन बनाकर अलजारी जोसेफ का शिकार बने, लेकिन अय्यर लगे रहे। और दोस्तों बता दें कि 15 ओवर में कोलकाता ने 3 विकेट पर 149 रन बना लिए थे। वेंकटेश अय्यर 79 रन बनाकर खेल रहे थे और कोलकाता को जीत के लिए 30 गेंद में 56 रन की जरूरत थी। ऐसे में लग रहा था कि यह टीम आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लेगी। हालांकि इसके बाद मैच पलटा। अलजारी जोसेफ ने वेंकटेश को 83 रन के स्कोर पर आउट किया और अगले ओवर में राशिद खान ने हैट्रिक ले ली। उन्होंने आंद्रे रासेल, सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर को आउट कर मैच पलट दिया। अब गुजरात की जीत तय नजर आ रही थी। और दोस्तों बता दें कि 19 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 7 विकेट पर 176 रन था। रिंकू सिंह 16 गेंद में 18 और उमेश यादव 5 गेंद में 4 रन बनाकर खेल रहे थे। ऐसे में गुजरात की जीत तय दिख रही थी, लेकिन यश दयाल के आखिरी ओवर की पहली गेंद में उमेश यादव ने 1 रन किया और बाकी 5 गेंदों में रिंकू सिंह ने 5 छक्के जड़ दिए। इसके साथ ही कोलकाता की टीम मैच 3 विकेट से जीत लिया। आखिरी ओवर में कोलकाता ने 31 रन बनाकर जीत हासिल की। और दोस्तों बता दें कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार कोई टीम आखिरी ओवर में 29 रन के लक्ष्य का पीछा करने में सफल रही है। इससे पहले आखिरी ओवर में धोनी ने पुणे के लिए सबसे ज्यादा 23 रन का लक्ष्य हासिल किया था। रिंकू सिंह ने वेस्टइंडीज के कार्लोस ब्राथवेट को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2016 T20 विश्व कप के फाइनल में लगातार 4 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज को जीत दिलाई थी। रिंकू ने इस मैच में लगातार 5 छक्के लगाकर कोलकाता को जीत दिला दी।